part second, we have already discussed about to introduction to internet, uses of internet, and ways to connect to the internet. Now, popular services on the internet, video conferencing, chatting. Now today we will discuss about to part third. In the topic is internet telephony, voice over internet protocol, VoIP technology. Okay. Internet telephony or VoIP is becoming very popular nowadays. Instead of using the normal telephone network, VoIP system send voice through the internet, just like any other data. Hence, VoIP system use internet connection to send and receive phone calls. Internet telephony या voice over internet protocol nowadays we use mostly we use our internet telephony system or voice over internet protocol system. VoIP system send voice through the internet. ये क्या करता है कि ये वॉइस थ्रू द इंटरनेट के अकॉर्डिंग आपको वॉइस भी थ्रो करता है, जस्ट लाइक एनी अदर डाटा की तरह. हिंस VoIP सिस्टम यूज इंटरनेट कनेक्शन टू सेंड एंड रिसीव फोन कॉल्स. और ये क्या करता है, फोन कॉल्स के अकॉर्डिंग डाटा को क्या करता है, कॉल्स को सेंड और रिसीव भी करता है. मतलब इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ये आपके फोन कॉल्स को रिसीव और सेंड भी कर सकता है. इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज है, नो टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड. इसमें टेलीफोन लाइन की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है. इसमें VoIP में, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम किसी भी कॉल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई भी टेलीफोन लाइन की रिक्वायर्ड नहीं होती. कॉल कॉस्ट आर वेरी लो. इसकी कॉल कॉस्ट क्या होती है, वेरी लो होती है. एंड कैन इंक्लूड वीडियो, और साथ में वीडियो भी इंक्लूड हो सकता है. डिसएडवांटेज क्या है इसके, रिक्वायर्स हाई स्पीड इंटरनेट. इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है. कनेक्शन एंड स्पेशल हार्डवेयर, जो कनेक्शन होता है इसका वो स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायर्स होती है. नॉट मच रिलायबल, ये नॉट मच रिलायबल, ये बहुत लचीला नहीं होता है. कॉल क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन. इसकी कॉल की जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करती है. जैसा आप बोलते हैं कि बहुत मतलब इसकी स्पीड बहुत स्लो है या ऐसा स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, जो कॉल का कनेक्शन रहता है वो बीच बीच में कटने लगता है. देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द VoIP सर्विसेज. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करती हैं. जैसे स्काइप है, गूगल टॉक है, रिपर है एंड फ्रिंग है. ये सारी आप लोग जनरल रूप से स्काइप और गूगल टॉक का बहुत लोग यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके लोग बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. नेटवर्क वीक होने पर आप देखते हैं कि आपकी बातचीत कटने लगती है, तो आप बोलते हैं नेटवर्क वीक है. क्योंकि हमने बताया कि इसकी एडवांटेज क्या है, कि इसके लिए बहुत हाई स्पीड नेटवर्क की आवश्यकता होती है. मोस्टली पीपुल यूजेस ऑफ स्काइप एंड गूगल टॉक एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक आपकी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ईमेल. क्या होता है, व्हाट इज ईमेल. एन इलेक्ट्रॉनिक मेल आर ईमेल इज एन इजी वे ऑफ सेंडिंग आर रिसीविंग मैसेज. ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं इजी वे में, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर यदि मुझे कोई भी मैसेज भेजना है तो हम ईमेल के थ्रू उस मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं.
एनीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर इन द सिटीज एंड इन द स्टेट, हम कहीं भी कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन। इसकी जो इसके लिए रिक्वायर्ड्स क्या होते हैं, फास्टेस्ट मॉडर्न की रिक्वायर्ड्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। इनफैक्ट द पोस्टल मेल ड्यू टू इट्स स्लो स्पीड, पोस्टल मेल जो होता है इसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, स्लो स्पीड में होता है। इज नाउडेज कॉल्ड स्नेल मेल व्हेन कंपेयर्ड टू एन ईमेल। ये क्या होता है, स्नेल मेल क्या होता है, ये ईमेल की कंपेयर्ड होता है, ईमेल की तरह होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के यूज से भेजा जाता है। एन ईमेल टेक्स ओनली ए फ्यू सेकेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, बट स्नेल मेल क्या है कि ये भी जाता है लेकिन ये पोस्टल मेल के थ्रू जाता है, जिसे हम स्नेल मेल बोलते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, ईमेल की एडवांटेज क्या है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट। इसकी कास्ट पे कोई प्रभाव नहीं रहता और ये क्या होता है, बहुत फास्ट स्पीड में आपका ईमेल वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड हो जाता है और रिसीव भी हो जाता है। इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का कोई भी पार्ट होता है उसे बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है विद इन ए फ्यू सेकंड, ये कुछ ही सेकंड में। इट डज नॉट मैटर वेदर योर मैसेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट आर थाउजेंड ऑफ लाइन। इस पे क्या होता है कि ये मैटर नहीं है, वो शो करता है कि आपने जो मैसेज बनाया है वो आपके कुछ ही लाइन के हैं या बहुत बड़ी लाइन के हैं। आप जितनी भी लाइन का बनाओ उसे भेजने में थोड़ा डाटा की ज़्यादा वो लगती है, मतलब जितना ही अच्छा आपकी लाइन क्लियर रहेगी उतनी ही अच्छी वो जाएंगे, जितने अच्छे आपके इंटरनेट नेटवर्क रहेंगे उतने ही अच्छे मैसेज आपके फट से पहुँच जाएंगे। सेम मैसेज कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपुल एट नो एक्स्ट्रा कास्ट। आपका मैटर यदि बड़ा है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं लगता है, ना एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। टू सेंड एन ईमेल यू नीड एन ईमेल आईडी, जो भी आप मेल को सेंड करती हैं उसके लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। ईमेल प्रोग्राम एंड द ईमेल आईडी ऑफ रिसीवर, आप किसे भेजना चाहते हो उस रिसीवर की ईमेल आईडी होनी चाहिए और कौन भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक्स है ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम मे बी फ्री आर पेड, यू हैड टू रजिस्टर योर नेम आर अदर आइडेंटिफिकेशन विद दिस प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम मे बी फ्री आर पेड, ये फ्री होता है और पेड होता है, यू हैव टू रजिस्टर योर नेम आप, ये आपका उसी में ऑलरेडी ये नोट हो जाता है। वेन यू रजिस्टर यू रिसीव एन अकाउंट, वो आपके अकाउंट को रिसीव करता है एंड ये पासवर्ड और पासवर्ड। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट एंड पासवर्ड। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पासवर्ड को और आप अपने अकाउंट को और पासवर्ड को कितना सिक्योर कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम है जहाँ से लोग जनरली ईमेल सेंड और रिसीव करते हैं। फर्स्ट है www.gmail.com, outlook.com, yahoo.com। इसका nowadays पीपुल मोस्टली यूज इन वेब टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल। ज़्यादातर पीपुल इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं अपने ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। इससे ये लोग न्यू मेल और ईमेल को क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद भी उस पर सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक, सो रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर द कंप्लीटेड, नेक्स्ट टॉपिक्स विल कंटिन्यू आप।